मौत का मंजर आंखों के सामने। मेरा नाम श्याम सुंदर है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं आपको ये डेथ स्टोरी इन हिंदी बताने जा रहा हूँ। ये घटना तब की है जब मैंने अपनी डॉक्टरी पूरी कर ली थी और मुझे पहली बार हॉस्पिटल के ICU में जाना था। ICU में जब मैं गया तो मैंने देखा एक 30 साल की लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उस लड़की का कार एक्सीडेंट हुआ था और वो पिछले 3 दिन से वेंटिलेटर पर थी। जो मरीज कोमा में चले जाते हैं या जिनका दिल काम करना बंद कर देता है उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। इस लड़की के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और आखिर 3 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद इस लड़की का वेंटिलेटर हटाना था ताकि उसे मृत घोषित किया जा सके और दुर्भाग्य से ये काम मेरा था। मैं ICU में दाखिल हुआ तो उस लड़की का पति, सास, माँ और बाप सब कमरे में थे और आंसू बहा रहे थे। जैसे ही मैंने उस लड़की के घर वालों को देखा मेरे शरीर में कपकपी शुरू हो गई, क्योंकि ऐसा मैं पहली बार देख रहा था। जैसे मैं उस परिवार के पास आया उन्हें एहसास हो गया कि अब मैं वेंटिलेटर हटाऊंगा और फिर वो लड़की हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाएगी। इससे पहले मैं कुछ करता सभी परिवार वालों ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और रोते हुए उससे कहने लगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी याद बहुत आएगी, प्लीज वापस आ जाओ। वो लड़की कोमा में थी, उसे कोई होश ना था। परिवार को ऐसे रोते बिलखते देख मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मौत का अनुभव कभी नहीं किया था। तभी अचानक मेरे पीछे से एक आदमी आया जिसके हाथ में करीब 3 साल का बच्चा था। बच्चे हंस रहा था और आप जानते हैं कि वो बच्चा इस लड़की का था। ऐसा लग रहा था कि बच्चा अपनी माँ को कई दिनों के बाद देख रहा है और इसीलिए वो खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ इस दुनिया से जाने वाली है। ये सब कुछ मैं देख नहीं पाया और फौरन ICU के बाहर आ गया। उस दिन पहली बार ये सब देखकर मेरे आंसू निकल गए। मेरे साथ के डॉक्टर ने फिर मुझे समझाया कि डॉक्टरी में सख्त दिल रखना ही पड़ता है, वरना ये नौकरी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और उस परिवार के पास गया और भरी मन से उन्हें कहा कि अब वेंटिलेटर हटाने का वक्त हो गया है। जैसे ही मैंने वेंटिलेटर उस लड़की के मुंह से हटाया, कुछ क्षण में ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है। धन्यवाद।